हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDBI बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 45 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे की एक सप्ताह में 2% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और एक महीने में 15.5% के करीबन की तेजी देखने को मिली है। 3 महीने में 7.5%, 6 महीने में 8%, 1 साल में 32% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, परंतु इस स्टॉक में एक सप्ताह से स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया 61 रुपीज। 61 रुपीज का इस स्टॉक में हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आया 43 रुपीज। 43 रुपीज का इस स्टॉक में नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 50 रुपीज, 50 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 61 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं और एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाते हैं, वहां पर एक अच्छा और बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। परंतु एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बनाए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।